सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कम से कम बजट में अपना पार्लर कैसे खोल सकते हैं। कम से कम बजट में पार्लर बिगनर्स कैसे खोल सकते हैं, आज की वीडियो का ये विषय है और मैं इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने पार्लर को घर में खोलना है या फिर आपको पार्लर रेंट पे लेकर खोलना है। अगर आप रेंट पे लेकर खोलते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें रेंट वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आप अगर घर से शुरू करना चाहते हैं तो आप कोई बहुत ही कम बजट में आप अपना पार्लर खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कम बजट में पार्लर खोलने के लिए हमें कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी। हम एकदम बेसिक चीज़ों से अपने पार्लर की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें कि हमें बहुत कम खर्च होंगे। कितना खर्च होगा ये मैं सारा रेट्स भी आपके साथ क्लियर करते चली जाऊंगी कि आप मिनिमम कितने पैसे डाल करके अपना पार्लर को खोल सकते हो। तो चलिए थ्रेडिंग से शुरू करते हैं। थ्रेडिंग के लिए आप ये या ये थ्रेड का एक डब्बा ही लेना क्योंकि ये छोटी छोटी एक एक करके लोगे तो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप डब्बा लेते हो तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप दो ले सकते हो। ये 20 से 25 रुपए का मिल जाता है, 20 से 25 रुपए का ये मिल जाता है और 37 से 35 रुपए का ये मिल जाता है। तो दो थ्रेड ले लो आप। थ्रेड के साथ साथ आप टेलकम पाउडर ले लो। टेलकम पाउडर का एक अलग से टेलकम पाउडर आता है पार्लर के लिए जो कि आपको 30 से 60 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, करीब 1 kg। तो वो ले लो, वो आपकी वैक्सिंग में भी काम आ जाएगा और थ्रेड में भी काम आ जाएगा। उसके साथ साथ आप कॉटन का एक बंडल ले सकते हो, कम कॉटन भी ले सकते हो आप, पर एक कट कॉटन का बंडल ये करीब 100 के अंदर ही आ जाता है, ये काफ़ी दिन तक चलता है। तो एक बंडल ये कॉटन का ले सकते हो आप और 10-20 रुपए को आप की आपको ये छोटी वाली कैची मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये थ्रेडिंग का काम इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से एक बॉक्स बना लो, इसमें थ्रेडिंग का सारा सामान रख लो। जैसे कि मैंने रखा हुआ है, देखो थ्रेड रखे हुए हैं दो, इसमें मैंने एक क्रीम रखी हुई है मसाज के लिए और इस बाउल में कॉटन और थोड़ा सा पाउडर रखा हुआ है मैंने, और इसके साथ साथ मैं इस सीजर को इस पर रख देती हूँ। तो ये एक थ्रेडिंग, किसी को थ्रेडिंग करना हो तो आपने इसको उठाया और ये थ्रेडिंग आपकी हो गई। तो थ्रेडिंग बहुत सस्ते में हो जाएगी आपकी। आप चाहो तो इसमें एक 5-10 रुपये की आती है पेंसिल, आईब्रो पेंसिल भी रख सकते हो। इसके साथ साथ आईब्रोज जो के बाल जो गिर जाते हैं उसको ब्रश करने के लिए ये आप ब्रश रख सकते हो एक। तो ये तो हो गया थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आपकी बहुत ही कम में हो गई ना, 40 से 50 रुपए में आपकी थ्रेडिंग हो गई। अब चलते हैं वैक्सिंग की ओर, ठीक है। तो वैक्सिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक वैक्स हीटर चाहिए होगा। तो मैं तो बोलूँगी कि आप दो रख लो क्योंकि ये हीटर जो है ना 100-150 रुपये तक में आता है और ये कभी भी धोखा दे जाता है। तो हालांकि चलता है कुछ समय तक लेकिन बीच में कभी भी ख़राब हो जाए, उसके लिए आप दो रख लो। अगर क्लाइंट के करते करते वैक्स हीटर ख़राब हो गई तो आप मुसीबत में फंस जाओगे, इसलिए आप दो वैक्स हीटर ले लो। तो आपको करीब 200 रुपये में दो वैक्स हीटर आ जाएंगे। और एक इस तरह की पट्टी ले लो, ये पट्टी काफ़ी अच्छी होती है, ब्राउन है ये, और ये भी मुझे लगता है 40 से 50 रुपये में आ जाती है ये पट्टी। तो ये पूरा ले लो, ये काफ़ी वैक्स हो जाएगी इससे। तो एक पूरा ही बंडल आप ले लो। इसके साथ साथ आजकल वैक्स में ना बहुत सारी वैरायटी आ रही है, तो एक हनी वैक्स रख लो आप, एक मिल्क चॉकलेट वैक्स रख लो, ठीक है, और एक डार्क चॉकलेट वैक्स भी रख लो। उसके साथ साथ आजकल ये चारकोल बहुत हो रहा है आजकल, तो चारकोल वैक्स भी रख सकते हो आप। पर बेसिक दो वैक्स जरूर रखो आप, एलोवेरा और नॉर्मल हनी वैक्स, और उसके साथ साथ चॉकलेट वैक्स जरूर रख लो आप। तो चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स और हनी वैक्स, ये तीन वैक्स रख लो, 50-60 रुपए के अंदर एक डब्बा आ जाता है जो कि कई क्लाइंट का आपके हो जाएगा। तो ये हो गई वैक्स की बात। और हमने थ्रेडिंग के लिए जो पाउडर आपको बताया था 60 रुपीज़ में 1 kg, तो वो आपके वैक्सिंग में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे पाउडर तो इंक्लूडेड हो गया। उसके बाद आपको एक आफ्टर वैक्स की क्रीम या जेल कोई चाहिए, तो उसके लिए आपको भी एक क्रीम का डब्बा या जेल का डब्बा आप 1 kg का, वो आपको सस्ता पड़ेगा, वो आप एक लेकर के रख लो। उससे आपके पेडिक्योर भी हो जाएंगे, पेडिक्योर की मसाज वगैरह भी हो जाएगी, वैक्सिंग की मसाज भी हो जाएगी और बैक मसाज वगैरह, मैनिक्योर का मसाज वगैरह भी हो जाएगा। तो ये हो गया थ्रेडिंग और वैक्सिंग।
आपको वैक्स के साथ दो, एक या दो नाइफ भी चाहिए होगा, ये मैं भूल गई थी, तो ये आप नाइफ भी ऐड कर लेना। और अब चलते हैं हम कटिंग की ओर। तो कटिंग के लिए सबसे पहले ये कटिंग शीट चाहिए होगी हमें, ये भी बहुत सस्ती मिलती है, कोई आपको 100 रुपए के अंदर तो मिल ही जाएगी ये। तो ये कटिंग शीट आप ले लेना। एक सीजर, ये भी आपको 150 से 200 रुपए के अंदर मिल जाएगी, जो कि बिगनर्स के लिए ये सीजर भी अच्छी काम करती है। इसके साथ साथ आप एक कटिंग कॉम ले लेना, ये कटिंग कॉम है, एक तरफ से पतला होता है, एक तरफ से मोटा होता है। कटिंग करने के लिए, आप बालों को गीला करने के लिए एक स्प्रे बॉटल होता है ना, वो ले लेना। नहीं तो घर पे कोलिन वगैरह की बॉटल जो आती है ना, उसमें भी पानी डाल करके आप स्प्रे कर सकते हो, पर ये बॉटलें बहुत सस्ती मिलती हैं, तो आप एक ले भी लो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो एक शो बिजनेस है। आप इसमें जितना शो डालोगे, यानी कि जितनी चीज़ें क्लाइंट को दिखेंगी कि ढंग से है, प्रॉपर है, तो वो क्लाइंट आपके ज़्यादा बनेंगे, ये एक फैक्ट है। तो आप एक स्प्रे बॉटल ले ही लेना कटिंग करने के लिए। उसके साथ साथ आपको दो तीन तरह की कंघियाँ रखनी पड़ेंगी। टेलकॉम है इस तरह की मोटी, एक जी कॉम ले लेना। और एक पैडल ब्रश चाहिए होगा स्ट्रेट करने के लिए बालों को, ब्लो ड्राई करने के लिए राउंड ब्रश लेना पड़ेगा आपको, ये वाला राउंड ब्रश। इस राउंड ब्रश के साथ ये छोटा राउंड ब्रश भी एक आपको चाहिए। कुछ सामान तो बेसिक जो है आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की दो ब्रशें और एक ये पैडल ब्रश इस तरह का। इसमें अच्छी क्वालिटी की जब ब्रश आती है ना, काफ़ी महंगी होती है, बट ये सब आपके बजट के अंदर आ जाएगा। और जब आप हेयर कट कर लोगे तो उसको क्लीन करने के लिए भी एक ब्रश चाहिए आपको, तो इस तरह से। और एक सेटिंग क्लिप्स वगैरह का सेट आता है 6 का, वो भी आपको अगर सस्ती वाली लोगे तो काफ़ी सस्ती आती है वो भी। तो इतना हो गया आपकी कटिंग का। और अब एक ड्रायर रह जाता है आपके पास, है ना। तो ये ड्रायर चोबा का है, लिंक ये ऑनलाइन मिल रहा है, तो लिंक मैं डाल दूंगी। इसका जो आगे का कैप है ना, वो कहीं रखा हुआ है। तो ये ड्रायर काफ़ी अच्छा है, जो कि आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो इस तरह की ड्रायर आप ले लेना। ये ड्रायर में थोड़ा सा ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है 1500 तक में आपकी थ्रेडिंग, कटिंग और वैक्सिंग का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब देखते हैं कि हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए इस तरह के कलर्स आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी सस्ते हैं। मुझे लग रहा है 200-250 में ये कलर्स आ जाएंगे, नोवा के हैं। इसका लिंक मैं डालने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो शुरू में, शुरुआती दौर में आप इस टाइप के एक पतला कलर, एक मोटा कलर ले लेना, और इससे आप अपने बालों के कर्ल्स जो होते हैं ना, अच्छे बनते हैं। अच्छी महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि आप ये प्रोडक्ट ले लेना। और उसके बाद आता है कि अगर स्टाइलिंग करोगे आप, हेयर स्टाइल वगैरह करते हो आप, तो आपको क्रिम्पिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्रिम्पिंग VNG का है, ये थोड़ा महंगा है। तो आप अगर सस्ता लेना चाहो तो ये है 3-in-1 हेयर क्रिम्पर। इसमें हल्की फुल्की प्रेसिंग भी हो जाती है और क्रिम्पिंग भी हो जाती है, 2-in-1 है ये। ये भी नोवा का है, ये भी ऑनलाइन शायद आपको मिल जाएगा 350। उस समय मैंने 350 का लिया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो इस टाइप का मशीन आप ले सकते हो। ये देखो, ये क्रिम्पर जो है इधर क्रिम्पिंग का काम करता है ये, और जब हम इसको ऐसे इस तरह से, यहाँ फंक्शन है, इसको इस तरह से करते हैं, तो ये प्रेसिंग का भी काम करता है। और इसमें कॉम लगा हुआ है, तो इससे मैं प्रेसिंग तो नहीं करती थी स्टार्टिंग में, क्रिम्पिंग जरूर कर लेती थी मैं, क्योंकि क्रिम्पिंग में हेयर स्टाइलिंग में ही क्रिम्पिंग की जरूरत पड़ती है, तो क्रिम्प ऑलमोस्ट इससे हो जाता है। तो अगर आप महंगा नहीं लेना चाहते हो क्रिम्पिंग मशीन, तो सस्ते में आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये वर्क करता है, काम करता है। उसके बाद आप स्टाइलिंग के लिए बॉब पिन, जूड़ा पिन, ये भी आपको काफ़ी सस्ता में मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत हेयर एक्सेसरीज आप रख सकते हो, इस तरह के फ्लावर्स वगैरह भी आप थोड़े बहुत ले सकते हो। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा ना, तब आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना। स्टार्टिंग में आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप हेयर बालों में सजाने की चीज़ें आप अपने घर से ले आओ, बाकी मैं स्टाइल में कर दूंगी। लेकिन अगर अच्छा होगा कि अगर आपके पास हो तो, पर अगर नहीं है तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप अपनी हेयर श्री यानी सजाने, बालों को सजाने की चीज़ आप अपने घर से ले आओ, बाकी मैं स्टाइलिंग कर दूंगी। उसके बाद अगर आपने हेयर स्मूदनिंग भी करना है, आपको अगर बालों को स्ट्रेट भी करना है, स्मूदनिंग भी करनी है, तो आपको एक अच्छा सा ये चाहिए होगा हेयर स्ट्रेटनर। तो यहाँ पे मैंने चोबा का लिया था और मैंने इसको बहुत बहुत यूज़ किया, बहुत सारे बालों की स्मूदनिंग करी। तो ये चोबा का अगर मिलता है तो चोबा का ले लेना, नहीं तो फ्लिप्स और वेगा वगैरह का भी आता है, आप
उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। चोबा का थोड़ा सस्ता आता है और काफी टिकाऊ है, काफी दिन तक चलता है, तो इसके लिए आप ये ले सकते हो। उसके बाद आप छोटी छोटी क्रीमें भी आजकल आने लगी हैं, ये देखो मैंने किसी का किया था तो थोड़ा सा रह रहा है, क्योंकि 125 ml का है और काफ़ी सस्ता आया था ये, शायद 400 रुपये तक में था, तो आप ये ले सकते हो। और जब बालों को अगर आप स्मूथनिंग करना चाहते हो ना, तो पहले आप घर में एक दो लोगों के करके प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही क्लाइंट पे इसको आजमाना। और बड़ी लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो आप ग्लैड की क्रीम। तो ये तो हो गई आपकी बालों के स्ट्रेटनिंग की। उसके बाद अगर आपने हाइलाइटिंग भी सीखा है तो आपको ये 20 वॉल्यूम का डेवलपर और 30 वॉल्यूम का डेवलपर दो लेना पड़ेगा, और ब्लॉन्डर पाउडर तो जरूर ही रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने तो ये बड़ा ब्लॉन्डर पाउडर लिया हुआ है, इसके सैसे भी आते हैं जो कि 70-70 रुपीज़ के होते हैं। तो ये बालों का काम और वैक्सिंग और थ्रेडिंग मुझे लग रहा है 2.5 यानी कि 2 से 2.5 हज़ार में आपके इतने सामान तो आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं फेशियल की ओर, कि फेशियल में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी किट रखनी चाहिए। ज़्यादा डिमांड फेशियल की किस किन किटों की है उस पे हमें ध्यान देना होगा। और फेशियल किट के साथ साथ हमें ब्लीच भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लीच के साथ हम फेशियल देते हैं तो तुरंत ग्लो ना तुरंत का तुरंत दिखता है क्लाइंट को। तो आजकल डिटेन भी चला हुआ है तो वो भी हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या रखना पड़ेगा। तो पहले तो आप एक गोल्ड की ब्लीच, यहाँ देखो ये नेचर्स की गोल्ड की ब्लीच है, एक डब्बा ये ले लो, और एक ऑक्सी ब्लीच रख लो, ज़्यादा डिमांड जिसकी है मैं उसकी बता रही हूँ, और एक फ्रूट ब्लीच रख लो। तो तीन तरह के ब्लीच रख लो, और एक डिटेन रख लो आप। डिटेन का भी बहुत डिमांड है, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो ब्लीच नहीं कराते हैं, डिटेन कराते हैं। तो डिटेन भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो एक डिटेन का ये रख लेना, ये भी नेचर्स का है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई ब्लीच की बात, और अब हमने क्या करना है फेशियल के लिए क्या करना है। तो फेशियल के लिए बैंड लेना है हमने, ये 20 रुपये का एक बैंड आता है, तो आप एक एक तो बैंड तो एक या दो बैंड तो आप रखना ही। और उसके बाद एस्ट्रीजेंट, इसके साथ क्लिनजिंग मिल्क और मॉइस्चराइजर भी जरूर रखना। बड़ी बड़ी लेनी चाहते हो तो बड़ी बड़ी ले लो, नहीं तो छोटे में भी आता है, ये छोटा भी रख सकते हो आप, बड़ा लेने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद रोज़ वाटर, आइस वगैरह पे रखने के लिए, पैक में मिक्स करने के लिए रोज़ वाटर की भी डिमांड होती है, तो आप रोज़ वाटर भी रख सकते हो। उसके बाद दो किट मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि यहाँ पे नेचर्स का एक गोल्ड किट और एक फ्रूट किट, इसका बड़ा डब्बा नहीं है मेरे पास, मैं दिखाती, सबके लिंक मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो एक फ्रूट की किट और एक गोल्ड की किट, बेसिकली आप रखो, ये बड़ी बड़ी किटें भी रखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं एरिया वाइज। जैसे कि मेरे एरिया में फ्रूट ब्लीच और ये वाली गोल्ड की ब्लीच नॉर्मल डेज में लोग बहुत डिमांड करते हैं, शादी ब्याह की बात अलग है। तो ये दो किट आप रख लो। उसके बाद गर्मियां हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये हर्ब ट्री का आइस कूल मिंट फेशियल है, ये मैं बहुत देती हूँ, ये ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा जाता है, स्किन को फेयर कर देता है, और पिम्पल्स वाली स्किन पे भी अच्छा जाता है, बहुत लाइट मसाज देनी पड़ती है। और ये वाला किट ना गर्मियों में इतना सूदिंग होता है कि एकदम फेयरनेस आ जाती है और कई दिनों तक चेहरा चमकता रहता है, तो क्लाइंट बहुत डिमांड करते हैं मेरे पार्लर में इसका। तो इस टाइप का एक किट जरूर रखो आप, जो कि ऑयली स्किन के लिए हो, पिंपल्स वाली स्किन के लिए होती है। उसके बाद ये आप इंस्टेंट ग्लो के लिए ये VLCC की किटें आप यूज़ कर सकते हो, ये देखो पार्टी ग्लो फेशियल किट है, इसमें ऑफर आता रहता है ऑनलाइन, तो आप इसको ले सकते हो। उसका VLCC का आप गोल्ड किट रख सकते हो, लोटस का गोल्ड किट रख सकते हो। इसके साथ साथ अगर कोई हर्बल चाहता है तो हर्बल में आप बायोटेक बेस्ट है आपके लिए, बायोटेक सस्ता भी है पर्पल में, और फ्लिपकार्ट वगैरह में ना बायोटेक पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आता रहता है, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, बायोटेक की किट ले सकते हो, ये इंस्टा ग्लो पार्टी पार्टी फेशियल किट है। इसके साथ साथ आप एक दो किट शहनाज की रख लो, कई लोग होते हैं ना जो कि बिल्कुल शहनाज के दीवाने होते हैं, तो ये डायमंड और गोल्ड फेशियल किट मैं शहनाज के भी रखती हूँ। इसके साथ साथ ये भी एक किट रखा हुआ है मैंने, तो ये छोटी छोटी किटें ना बहुत मतलब की होती हैं, और इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है लेकिन आपका जो है काम हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वैरायटी हो जाती है आपके पास। ठीक है, और ये एक पपाया फेशियल किट भी ब्लेमिशेस पिम्पल्स और ऑयली स्किन पे अच्छा जाता है, तो पपाया फेशियल किट भी आप रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमने मैंने बोला ना कि हमारा बिजनेस जो है ना सो बिजनेस है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तो आप ना एक मसाजर भी रख लें फेशियल के लिए। इस तरह का मसाजर आप ले सकते हो, ये काफ़ी सस्ता आता है इस तरह का मसाजर, और ये ना इस तरह से चलता है,
इसमें जो इधर एक एप्लीकेटर होता है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये आराम से इस तरह से मसाज कर सकते हो, क्लिंजिंग भी कर सकते हो इससे, मसाज भी कर सकते हो इससे। तो ये सस्ता वाला आप ले सकते हो और आपके ये बजट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटे मोटे पार्लर खोलने की जो है मेन जरूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लगभग आपसे डिस्कस कर ली है। इसके अलावा मैंने मेकअप को यहाँ पे नहीं बोला है आपको, क्योंकि मेकअप बोलने से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका बजट थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा। लेकिन फिर भी आप मेकअप भी लेना चाहते हैं तो 1,000-1,500 रुपये स्टार्टिंग में डालिए। मेकअप के भी प्रोडक्ट जो है ना आजकल बहुत सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, purple.com वगैरह पे ना मेकअप के प्रोडक्ट, NYBE वगैरह जो है कंपनी है ना, उन लोगों ने काफ़ी सस्ती प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मुझे लगता है 5,000 में आपका पार्लर घर बैठे खुल जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि पार्लर के लिए आपको चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, पार्लर के चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मिरर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप घर में खोल रहे हो तो आपके पास ड्रेसिंग टेबल होगा, ड्रेसिंग टेबल नहीं होगा तो अलमारियों में जो मिरर लगा होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपका कंफर्टेबल हो उसके लिए आप एक कुछ आपको एक चेयर जरूर लेना पड़ेगा। कटिंग तो आप स्टूल पे बैठा कर भी कर सकते हो, लेकिन फेशियल के लिए और थ्रेडिंग वगैरह के लिए एक चेयर आपको लेनी पड़ेगी। तो चेयर मैं यहाँ पे नया आपको रिकमेंड नहीं कर रही। कई बार होता है ना कि सेकेंड हैंड चेयर भी आप ले सकते हो, उसका भी मार्केट दिल्ली में तो बहुत है, दूसरी जगहों पे भी होगा। कई बार पार्लर वाले अपने चेयर को रिजेक्ट करते हैं, नया लाते हैं, जो पार्लर बहुत रन कर रहे होते हैं उनको कांटेक्ट में आप रखिए, वो अपना पुराना चीज़ निकालना चाहते हैं, तो आपको वो सस्ते में मिल जाएगा, तो आप सेकेंड हैंड चेयर ले सकते हो। इस तरह से कई बार क्या होता है ना, कोई कोई पार्लर अपना सेटअप चेंज करते हैं, अच्छे बड़े जो पार्लर होते हैं ना वो अपना सेटअप बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, तो वहाँ की आप कांटेक्ट में रहो और वहाँ की जो चीज़ें पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो आप लेकर के अपना छोटा मोटा सेटअप तैयार कर सकते हो। उसके बाद जब आपका काम लोगों को अच्छा लगने लगेगा, आपके क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, तो फिर आप अपने बजट को इंक्रीज करते हुए चले जाना। और हाँ, यहाँ पे मैं पेडिक्योर और मैनिक्योर की बात करना भूल गई। तो पेडिक्योर मैनिक्योर का सामान इतना महंगा नहीं होता कुछ भी, जो पेडिक्योर का सामान होता है वो आपको 150 से 200 रुपये के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया, स्क्रबर, स्क्रैपर, सारा कुछ, आप अपने नेल ब्रश, सारा कुछ आपको 150 से 200 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और आप एक स्टार्टिंग आप छोटे से टब से करो, खूबसूरत सी छोटी सी टब ले लेना आप, उसके बाद आप उसमें पेडिक्योर कर सकते हो। और मैनिक्योर तो बस छोटे से एकदम छोटा सा टब से ही हो जाता है, पेडिक्योर करने के लिए थोड़ी सी बड़ी और खूबसूरत सी टब लेना, स्टार्टिंग कर लेना और टब से, उसके बाद आप पेडिक्योर वाली मशीन खरीद सकते हो आप। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब जब करोगे ना तो घंटी को भी जरूर दबाना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद वीडियो देखना भूलना मत। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, आई लव यू ऑल।